उपखंड अधिकारी राम अवतार कुमावत का एडीएम बनने पर कुम्हार धर्मशाला में एक भव्य समारोह रखा गया और कोरोना जागरूकता अभियान के तहत बहुत ही सजगता से कार्य करने पर एसडीएम साहब का रावला की युवा कुम्हार समिति और 365 हेड प्रजापति सेवा समिति द्वारा एसडीएम साहब को साफा पहनाकर मोमेंटो देकर और साथ में एसडीएम साहब को एक गिफ्ट भी भेंट कर सम्मानित किया गया। रावला के तहसीलदार ओम प्रकाश मीना, नायब तहसीलदार कृष्णलाल जाखल, रावला के सरपंच गंगा विशन पुनिया, कृष्ण चांदोरा और मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का रामकुमार टाक व उनकी टीम द्वारा सभी को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं एसडीएम राम अवतार ने दोनों संगठनों और उनकी टीम द्वारा कार्यक्रम आयोजन करने पर सबका धन्यवाद किया और कोरोना महामारी पर बोलते हुए एसडीएम साहब ने कहा, आपने जो मेरी टीम और मेरा साथ दिया है और पूरी जनता के लिए आपने सेवा की, आगे भी इसी तरह सबका साथ देते रहें। सभी समाजों को आगे आना चाहिए और सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए अच्छाई को आगे लाएं। वक्ताओं में सुभाष प्रजापत, सुभाष जलंधरा, ओम प्रकाश रतिवाल और सरपंच गंगा विशन पुनिया ने एसडीएम साहब का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया और कोरोना के बारे में अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर मीडिया को भी सम्मानित किया गया। आज जो रावला में कोरोना जागरूकता अभियान के बारे में बताइए सर, जो कार्यक्रम हुआ उसका। रावला तहसील में संपूर्ण मौजूद लोगों द्वारा और भामाशाह द्वारा और सामाजिक संगठनों द्वारा, जिसमें हमारे प्रशासन के सारे अधिकारी शामिल हैं, सरपंच साहब हैं, यहाँ के भामाशाह अपने रसोई के जिन्होंने अच्छा चलाया, सब लोग शामिल हैं, सामाजिक संगठनों के लोग भी हैं, मीडिया के साथी हैं। देखिए, आपको सबको पता है कि फिलहाल कोरोना के केसेस डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए अब नई शुरुआत के साथ किस तरह से और कोरोना को हम स्ट्रिक्टली हमारी तहसील में, हमारे घरों में, हमारे सब डिवीज़न में आने से रोकें, उसके किस तरह के प्रयास प्रशासन कर रहा है और आप लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं और आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए तो हम धन्यवाद प्रशासन का प्रशासन कर ही रहा है, लेकिन और किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह से हम इसको बेहतर रोकथाम करके और कोरोना को रोक सकते हैं, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया। रावला की जनता का, रावला के सामाजिक संगठन जो हैं यहाँ पे, इन लोगों ने जो कार्यक्रम किया उनका मैं इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने रसोई चला करके जिस तरह से यहाँ के रामपाल जी टाक और उनकी टीम, हमारे प्रशासन के तहसीलदार जी, नायब साहब, सरपंच साहब, व्यापार मंडल अध्यक्ष और सभी लोगों ने जिस तरह का अपना सहयोग किया है, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आगे भी इसी सहयोग की उम्मीद के लिए कार्यक्रम रखा गया है। मुझे पक्का विश्वास है कि कोरोना जागरूकता में इस कार्यक्रम का प्रभाव सकारात्मक रूप से सबके सामने आएगा।